हाईवेज पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को डेवलप करने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे सबसे आगे हैं भारत में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि 1350 किलोमीटर लंबा है और 8 लेन का होगा। इसमें 90,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में 3 एनिमल अंडरपासेस और 5 एनिमल ओवरपासेस होंगे, जिनकी टोटल लेंथ 7 किलोमीटर होगी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 4.5 किलोमीटर की 8 लेन की टनल भी बनने जा रही है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। ये टनल 500 मीटर पहले शुरू हो जाएगी इस नेशनल पार्क से पहले और वैसे ही 500 मीटर दूर जाके ख़त्म होगी। दिल्ली दौसा सेक्शन, जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, और वडोदरा अंकलेश्वर सेक्शन इस साल नवंबर में बनकर तैयार हो जाएंगे और पूरा एक्सप्रेसवे जनवरी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये 701 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसमें 55,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। इस एक्सप्रेसवे में 5 वाइल्ड लाइफ ब्रिजेस बन रहे हैं, 3 ओवरपासेस विदर्भ में और 2 औरंगाबाद में हैं। इस एक्सप्रेसवे में जो भी रोड 10 किलोमीटर के अंदर आएगा किसी भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के पास, वहां कल्वर्ट्स की हाइट 4 से 5 मीटर की जा रही है। इसके अलावा सारे मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस, वायडक्ट्स और अंडरपासेस में नॉइज़ बैरियर लगाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के 502 किलोमीटर का नागपुर शिरडी स्ट्रेच अगले 3 महीने में खुल जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे मई 2022 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन जाएगा, क्योंकि इसमें ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और अगले 3 महीनों में इसका काम खत्म हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।